डूंगरपुर से खबर है जहां सुराता गांव के घरों और दुकानों में आगजनी की घटना देखने को मिली। 84 थाना क्षेत्र की पूरी घटना है जहां एसपी कुंदन ने मौके के लिए फोर्स को रवाना भी कर दिया है। गांव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी स्थानीय नेता के लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। रात को भी धमकी देकर गए थे हमलावर और ऐसे में अब तक दो मकानों और एक दुकान को फूंकने की खबर सामने आ रही है। और देखिए जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया है हड़कंप मौके पर मचा हुआ है। दहशत का माहौल भी देखा जा सकता है और आक्रोश भी लोगों के अंदर देखा जा सकता है। जानकारी दे सुराता गांव के घरों और दुकानों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। 84 थाना क्षेत्र की पूरी घटना है जहां एसपी कुंदन ने मौके के लिए फोर्स को तो रवाना कर दिया है पर माहौल अभी भी मौके पर तनावपूर्ण बना हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि रात को भी हमलावर धमकी देकर गए थे और सुबह इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया। किसी स्थानीय नेता के लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो वहीं देखिए इस पूरी घटना के अंदर अब तक दो मकान और एक दुकान को फूंकने की खबर सामने आ रही है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत जुड़ चुके हैं। पुनीत, दो मकान और एक घर को फूंकने की देखिए जो जानकारी जिस तरह से सामने आई है ऐसे में मौके पर तनावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है। अभी क्या कुछ अपडेट मौके से? बिल्कुल, ऐसा बताना चाहूंगा कि ये 84 थाना क्षेत्र का सुराता गांव है। पिछले दिनों एक युवक जो है 23 अप्रैल को जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला था और उसके जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया था कि इसकी प्रेमिका के घरवालों ने इसे हत्या कर लटकाया है। मामले में पीड़ित परिवार जो है युवक के जो मृतक का जो परिवार है उससे पिछले दिनों एसपी को परिवार से दिया था कि उसकी जान का खतरा है और कुंडेला का जो सरपंच है उसका पति और अन्य लोग इस पे खुला कभी भी कर सकते हैं। इस बात की अंदेशा लगातार जताया जा रहा था, कभी भी कोई अनहोनी है। बीती रात भी जो सरपंच का जो पति है सुरमाल वो अपने सहयोगी के साथ में जो पीड़ित परिवार के घर पे हमला करने की कोशिश की थी। इस मामले में रात को राजकुमार नाम का एक युवक घायल हो गया था, उसे अस्पताल को अस्पताल में दाखिल भी कराया गया था, बाद में छुट्टी हो गई। दोनों पक्षों की ओर से रात को क्रॉस केस भी दर्ज कराए गए। इसी दरमियान आज सुबह करीब 8 बजे से ये जो तनाव का माहौल गांव में बना हुआ था, हमलावर जो है वो परिवार के घर पे लगातार पथराव कर रहे थे, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इस दौरान करीब एक जो दुकान है राजकुमार की जो रात को घायल हुआ था उसकी दुकान पूरी तरीके से आग के हवाले कर दी गई। कई घरों में तोड़फोड़ हुई है, कुछ घर बिल्कुल जमींदोज कर दिए गए। करीब 2 घर ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। रात की जो घटना है उसके बाद पुलिस भी पहुंची थी और आज सुबह से पुलिस लगातार वहां दर्ज कर रही है, लेकिन इसके बाद भी घटना को अंजाम दिया गया। अभी भी 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो हमलावर है वो फैले हुए हैं। मुख्य रास्ता है ओबरी आश्री से चौधरी पुलिस चौधरी गांव को जोड़ने वाला, इस पर इन लोगों ने अपना घेराव डाला हुआ है। सूचना पर जो सूचना मिली उसके बाद एसपी कुंदन कुमारी एक्शन में आए। उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो वहां पे डिप्लॉय की है और मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची है। जो मकान जो दुकान जली है उसे पूरी तरीके से आग बुझा दी गई है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो सहमे हुए हैं, पहाड़ों पर चले गए हैं और घर अपने घरों को छोड़कर दूर दूर की ओर चले गए हैं। पुलिस का जो जाता है वो मौके पर पहुंच चुका है और गश्त चल रही है। जी पुनीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।